अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। सोनाक्षी सिन्हा अब गिरफ्तार नहीं होंगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत देते हुए धोखाधड़ी के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि ये मामला सिविल विवाद का है और उसी तरीके से इसे निपटाया जाए। सोनाक्षी के खिलाफ प्रमोद शर्मा नाम के व्यक्ति ने 22 फरवरी को मुरादाबाद के कटघर पुलिस थाने में FIR दर्ज करवाई थी। सोनाक्षी पर आरोप था कि उन्होंने 30 सितंबर 2018 के कार्यक्रम में शामिल होने की सहमति दी थी और इसके लिए उन्होंने 37 लाख रुपए भी लिए थे और आखिरी समय में उन्होंने इस कार्यक्रम में आने से मना कर दिया, जिसकी वजह से कार्यक्रम आयोजक को भारी नुकसान उठाना पड़ा। न्यायमूर्ति नहीद अरा मुनीस और वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने निर्देश दिया कि पुलिस द्वारा इस मामले की जांच रिपोर्ट सौंपे जाने तक अभिनेत्री को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने ये निर्देश भी दिया कि सोनाक्षी जांच में सहयोग करेंगी और जब भी उन्हें बुलाया जाएगा वो पेश होंगी। सोनाक्षी के करियर की बात करें तो फिलहाल वो कलंक फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं, जो कि 19 अप्रैल को रिलीज होगी। न्यूज़ डेस्क।